कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, गैल्वेनोमीटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे करंट्स को मेजर करता है, जैसे 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 10 की पावर -3 एम्पियर। पर एक स्टूडेंट आया, वो कहता मेरे पास तो 5 एम्पियर करंट है सर, ये कैसे मेजर होगा, क्या मैं गैल्वेनोमीटर के अंदर एंटर करवा दूं? मैंने कहा देख करवाइयो मत। उसने कहा क्यों? मैंने कहा दो प्रॉब्लम हो सकती है, पहली तेरा करंट ज़्यादा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत सारी टर्न्स हैं, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हीटिंग इफेक्ट हो सकता है, मेरा गैल्वेनोमीटर सड़ जाएगा A²RT से। उसने कहा हाँ पॉइंट सही है। वो कहता फिर भी सर पास करके देख लो, शायद ना सड़े। तो मैंने कहा ठीक तू पास कर, कॉयल टर्न करेगी, मेरा मीटर जैसे, तो वही बात होगी कि कोई कहता मैं गाड़ी 300 किलोमीटर पर आवर पे चला दूं, मैंने कहा स्पीडोमीटर तो 200 का है, तो मेजर क्या करूंगा? क्योंकि तेरे अगर तू अगर ज़्यादा करंट पास करेगा तो कॉयल जो है यहाँ से यहाँ घूमती है, थोड़े करंट में यहाँ से तेरे तो मीटर ही खत्म हो जाएगा, और मीटर खत्म होगा तो मेजर क्या करूँगा आगे का? मान लो नहीं भी सड़ा तो गैल्वेनोमीटर के कॉयल तो पूरी टर्न कर जाएगी, तब तक तो मीटर ही खत्म हो जाएगा, वो बना ही मिली एम्पियर के लिए, तो मैं फिर भी मेजर नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर छोटे करंट्स को मेजर ही करता है, बड़ों को मेजर नहीं कर सकता, वो बना नहीं हुआ। पर कोई कहता नहीं मेरे को तो करना है, और अगर करना है तो गैल्वेनोमीटर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, और वो क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है? मॉडिफिकेशन ये करनी पड़ती है कि सपोज आपके पास, इमेजिन करो ये एक वायर है जिसके अंदर आई करंट आ रहा है और अच्छा खासा बड़ा करंट है, और मैं इसे गैल्वेनोमीटर में सीधा नहीं पास करता कर सकूंगा, खराब हो जाएगा, मेजरमेंट कर नहीं पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाने से पहले यहां पे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू इंसर्ट कर लूंगा। ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी जिसका नाम है एस, एस को बोलते हैं शंट। शंट का मतलब होता है कोई ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो एस है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इज वेरी 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 लो, बहुत लो वैल्यू रेजिस्टेंस है ये, बहुत छोटी रेजिस्टेंस होती है शंट, बड़ी रेजिस्टेंस शंट नहीं होती। अगर मैंने शंट वर्ड यूज किया यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही छोटी है, और शंट हमेशा किस में कनेक्टेड होती है? पैरेलल में, सीरीज में नहीं कनेक्टेड होती। तो शंट एक छोटी रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब हुआ क्या, तुम मेजर करना चाहते हो आई, गैल्वेनोमीटर अलाउ नहीं करता, तो तुमने शंट लगा दी। शंट लगाने से क्या होता है, ये इसमें से मैक्सिमम करंट यहां से निकल जाएगा, क्योंकि करंट डिवाइड होएगा दो वायर्स में, और छोटी रेजिस्टेंस में जिसकी वैल्यू छोटी है उसमें मैक्सिमम करंट जाने की कोशिश करेगा, और जिसकी रेजिस्टेंस बड़ी है उसमें कम करंट जाने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर तो कम करंट चला गया, और जो भी करंट गया वो गैल्वेनोमीटर के ने वो मेजर कर दिया, क्योंकि छोटे करंट तो गैल्वेनोमीटर मेजर कर ही देता है। तो इसमें छोटा करंट गया, बड़ा करंट मैक्सिमम करंट किसमें गया, जिसमें रेजिस्टेंस लो है, और रेजिस्टेंस लो किसमें है, इसमें है। तो कितना करंट गया, इतना करंट गया I-IG। अब क्योंकि दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम I-IG इंटू एस। अब सोचो गैल्वेनोमीटर ने कोई बड़ा करंट मेजर नहीं किया, गैल्वेनोमीटर ने तो छोटा ही करंट मेजर किया, पर मेरे को तो क्या मेजर करना है आई, तो मैंने ये मॉडिफिकेशन से क्या किया, एस मुझे मालूम है, आई जी गैल्वेनोमीटर निकाल देगा, जी गैल्वेनोमीटर को पता है, आई जी गैल्वेनोमीटर निकाल देगा, मैं इस कैलकुलेशन से क्या निकाल पाऊंगा आई, मतलब कि गैल्वेनोमीटर तो आई जी ही कैलकुलेट करेगा, पर मैं कुछ ऐसी इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जिससे कि मैं आई भी मेजर कर पाऊंगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये काम गैल्वेनोमीटर ने नहीं किया, ये काम तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट ने कर दिया। गैल्वेनोमीटर अभी भी आईजी कर रहा है, पर हम क्या करेंगे, हम एक इस पूरे अरेंजमेंट को, क्योंकि आम बंदे को समझाएंगे तो बहुत मुश्किल है। मैं अगर मार्केट में गया हूँ मतलब भैया मुझे वो गैल्वेनोमीटर देना, वो दे देगा भाई मेरे को एम मीटर, उसको थोड़ा पता अंदर क्या है, वो तो कंपनी बन के आता है, लो हो गया। तो कंपनी लोग वाले क्या करते हैं, इसको एक नए डिब्बे में पैक कर देंगे, ये नया बॉक्स है, छुपा लेंगे सारी बातें, छुपा लेंगे। तुम्हें कहेंगे मार्केट में नया मीटर आया है जो देखो आई करंट को मेजर कर जाता है, अंदर से देखो क्या चलाकी की है उन्होंने गैल्वेनोमीटर के साथ, डिब्बे को नया रूप देंगे और कहेंगे देखो इस मीटर का नाम है एम मीटर। तो एम मीटर कुछ नहीं है, एम मीटर तोड़ के देखोगे तो अंदर से
छोटा गैल्वेनोमीटर निकलेगा और साथ में छोटी सी रेजिस्टेंस शंट निकल आएगी, और नया डिब्बा नया मीटर, तो ये है एम मीटर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? एम मीटर में। फिर कहेंगे एम मीटर महंगा मिलता है, जी बढ़िया मीटर है, गैल्वेनोमीटर बेकार मीटर है, वो सस्ता मिलता है, इसी के तो पैसे हैं, सीख क्या है भाई फिजिक्स अगला। ठीक है, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या कर रहे हैं? तो इसके अंदर ये देखो, तो ये पेपर में लिखने को आएगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर। तो लिखेंगे एम मीटर क्या चीज है? अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ये लो रेजिस्टेंस वर्ड क्यों यूज कर रहा है? अगर ये पूरा डॉटेड लाइन एम मीटर है, एम मीटर किससे बना हुआ है? गैल्वेनोमीटर और शंट से। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी और शंट की एस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन से 1/R, 1/G प्लस 1/S बनेगी। अब मुझे पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक शॉर्टकट था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो इन में से जो लोअर रेजिस्टेंस है उससे भी लोअर होके आती है, क्योंकि शंट तो पहली बहुत कम है, मेरा आंसर इक्विवेलेंट शंट से भी कम आएगा, इसलिए एम मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटी होती है, क्योंकि एम क्योंकि शंट तो पहली छोटी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और भी छोटी आएगी। तो तुम्हें अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक याद हो, मैं हमेशा बोलता था आइडल एम मीटर की रेजिस्टेंस जीरो होती है, क्योंकि शंट की वजह से वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, क्योंकि शंट लगाने से रेजिस्टेंस बहुत गिर जाती है। सही है, तो ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। फिर आपने ये लिखना है, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस शंट एस इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। फिर आपने ये डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम में ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो क्या होगा इसमें? आई जी इंटू जी एस इंटू आई माइनस आई जी। ये लो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस का फॉर्मूला आएगा। न्यूमेरिकल्स में शंट की वैल्यू पूछी जाती है, न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो एम मीटर में कन्वर्ट करना है, तो बोलो कितनी शंट लगाएं पैरेलल में। तो एस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लें प्लीज, फॉर्मूला रजिस्टर में शंट का फॉर्मूला एंटर करें, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही आपको 1/G + 1/S से आ जाएगा, शंट का फॉर्मूला नोट कर लें।